वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल अपडेट के बारे में। अपडेट उत्तर प्रदेश कानपुर से है। वर्दीधारी दारोगा ने एक महिला के साथ ऐसा काम किया है और ऐसा हरकत किया है, शर्मनाक हरकत के। इस खबर को सुनने के बाद अगर कोई महिला थाने रिपोर्ट लिखाने जाएगी तो वो जाने से पहले 100 बार सोचेगी, उसके बाद वो महिला थाने रिपोर्ट लिखाने जाएगी। क्योंकि ये जो खबर सामने आई है, इसे सुनकर आप भी सर पकड़ लेंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे पुलिस वाले वर्दी पहनकर ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आगे पूरा वीडियो दिखाऊंगा, कैसे महिला ने क्या कुछ इल्जाम लगाया है पुलिस वाले के ऊपर, जिसका नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप खबर क्या है जो के यूपी तक ने इसे ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, आप पहले ये देख लीजिए। कानपुर के एक वर्दीधारी पुलिस वाले की घिनौनी हरकत आई सामने। दरअसल बिलौर इलाके के एक महिला ने चौकी इंचार्ज महेंद्र सिंह पर एक मामले को निपटाने के लिए पैसे मांगने और हाथ पकड़कर घिनौनी मांग करने का आरोप लगाया है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखें पहले इस वीडियो को, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो महिला है उसने क्या क्या और आरोप लगाए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। आप पहले देखिए इस वीडियो को। मैंने उनसे फोन पर बात की, बोले कि रूम पर आवाज पर मिलो आकर, तो मैं उनकी आवाज पर गई। दरोगा जी ने मुझसे कहा कि मुझे 20,000 रुपए, तो मैंने उनको 20,000 रुपए दिए। दरोगा जी ने मेरा हाथ पकड़ के बोले कि मुझे और भी कुछ चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे पास और कुछ नहीं है, बस इतने ही पैसे हैं। तो दरोगा जी बोले मुझे और कुछ चाहिए, तुम चाहिए। वीडियो देख लिया आपने, ये महिला बिलौर इलाके के रहने वाली है, जो कि अपने पारिवारिक मामले को लेकर थाने पहुंची और उसके बाद इसका इंचार्ज जो था वो महेंद्र सिंह था। अब महेंद्र सिंह ने इस महिला को कहा कि हमारे आवास पे मिलो, महिला आवास पे मिलती है, उससे 20,000 रुपए मांगा जाता है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। महिला ने 20,000 रुपए भी दिए, उसके बाद इंचार्ज जो है, जिसका नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो महिला का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उससे कुछ ऐसी मांग करता है जो कि जायज नहीं है। उससे कुछ ऐसी मांग की जाती है और उसके बावजूद बताया जाता है कि रात को 12:03 पे वो इंचार्ज जो है, जिसका नाम महेंद्र सिंह है, वो कॉल करता है, वीडियो कॉल, और उससे घिनौनी बात करता है और उसे कपड़े उतारने तक कहता है और उसे अपना चेस्ट दिखाने के लिए कहता है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और महिला का बयान दर्ज किया और उसके बाद महेंद्र सिंह के ऊपर कई मामलों में केस दर्ज किया गया और उसके बाद अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि ऐसे पुलिस वाले अगर बैठे रहेंगे तो गुंडों की आपको क्या जरूरत पड़ेगी। जरा खुद सोच कर बताइएगा कि ऐसे लोग जो कि वर्दी जिनको दिया गया, जिनको पब्लिक का हिफाजत करने के लिए वर्दी दिया गया है, वो लोग वर्दी पहनकर ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को जो आपको देखने को मिला है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।